गाइस आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि भाई एक काम करो, मोशन है प्लान के, आप पीएफपी कराना शुरू कर दो। तो पीएफपी स्टार्ट कर रहे हैं, पहली पीएफपी है इस टॉपिक की, प्रोजेक्टाइल मोशन की पहली पीएफपी। 17 पीएफपी दे रखी हैं, इनको अच्छे से लगाने की कोशिश कीजिएगा। एग्जांपल ऑलमोस्ट इस टॉपिक के क्लियर हो चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, आपसे क्या कह रहा है, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। एक चीज़ और, बच्चों के बहुत कॉमेंट आते हैं कि सर आप साइड से हो जाते हो तो आप बुक के अंदर देखते हो। भाई मैं बुक के अंदर नहीं देखता, देखो इस तरह से अगर हो रहा हो तो बुक के अंदर नहीं देखता। बस ये है कि आप लोग क्लियर देख पाओ बोर्ड को, इसलिए साइड से होना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों की अलग अलग सोचें हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के लिए। इस क्वेश्चन को देखो, आपसे कह रहा है फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। 37 डिग्री से बॉल को क्या किया है, जल्दी से बताओ, बॉल को क्या किया, किक किया गया, लात मारी गई है। ठीक है, एंगल है, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। आपको एंगल दे रखा गिवन दैट में थीटा दे रखा कितना है, 37 डिग्री। आपसे कह रहा है इनिशियल स्पीड जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री है विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। जो भी आपने बॉल को किक किया है ना, तो जो उसकी इनिशियल स्पीड है बॉल की वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये यू दे रखा है आपको 15 मीटर पर सेकेंड। आगे देखो, एज्यूमिंग दैट द बॉल ट्रेवल्स इन अ वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में अगर बॉल को किक किया गया तो कुछ इस तरह से बॉल जो है प्लेन के अंदर मूव करके गई है। तो आपसे कहना क्या चाह रहा है, आपसे कह रहा है द टाइम एट विच द बॉल रीचेज द हाइएस्ट पॉइंट। आपको ये देखना है कि हाइएस्ट पॉइंट, देखो लेट अस सपोज कि आपने यहाँ से बॉल को किक किया है तो ये इस तरह से जाकर यहाँ ज़मीन पर टकराएगी, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट ये हुआ। अब यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगता है उसकी वैल्यू है यू साइन थीटा अपॉन जी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यू साइन थीटा अपॉन जी ये मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम है। ठीक है, आपने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ रखा है टी इज इक्वल टू 2u sin θ / g। तो भाई ये टोटल टाइम है 2u sin θ / g। अगर मैं मैक्सिमम हाइट तक का टाइम देखूंगा तो सिर्फ आधा हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इसको लगाओ, फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा था, उसने क्या पूछा, आपसे पूछा कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा, तो आप लिखोगे टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट बहुत आए स्मॉल टी, जिसकी वैल्यू है यू साइन थीटा अपॉन जी। यहां पर आपको यू दिया हुआ है क्या, यस 15 मीटर पर सेकंड के साथ। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी, 37 डिग्री। यहां पर आके अब आप अटक जाओगे, जी की वैल्यू आप कितना यूज करोगे, 9.8, ये यूज कर लो, जी की वैल्यू कितना इस्तेमाल करोगे, 9.8। अब यहां जाकर के आप अटक जाओगे, साइन 37 डिग्री की वैल्यू आपको पता नहीं होती। जब आपको पता नहीं होती और आप एग्जाम में बैठे हुए हो तो आपको टेबल मिलती है, एक टेबल मिलती है जिसमें बहुत सारे एंगल्स दे रखे होते हैं और वहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस दे रखे होते हैं, तो उन फंक्शंस में आप किसी पर्टिकुलर एंगल पर वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.60 और आगे भी चलेगी, लेकिन छोड़ो यहीं तक छोड़ दो, 9.8 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.92 सेकेंड। बस खत्म, आपसे यही पूछा था कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, 0.92 सेकेंड। ठीक है, इसको पूरा लिख दो, लो खत्म, एक पार्ट तो इसका ये खत्म हो गया, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है और कुछ नहीं रखा इनके अंदर। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आते हैं तो आप बड़ी आसानी से सारे के सारे ये कर दोगे। ठीक है भाई, पहला पार्ट फिनिश हो गया, सेकंड वाले पार्ट में चलते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। सेकंड वाले पार्ट में आपसे ये कह रहा, देखो मैं इसको ले लेता हूँ क्वेश्चन को वापस से। सेकंड वाले पार्ट में आपसे कह रहा है अलग कलर से, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट आप सॉल्व करने के लिए जा रहे हो। आपसे कह रहा है द मैक्सिमम हाइट रीच, मैक्सिमम हाइट रीच कितनी करके जाएगी ये बतानी है, मैक्सिमम हाइट। ओहो हो, जल्दी से बताएं फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये वाला फॉर्मूला लगाना आपको, एच यू स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी जल्दी से बताओ, 15 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 37 डिग्री है, अपॉन 2g की वैल्यू कितनी रखोगे, 9.8। सॉल्व करो इसको, 15 का स्क्वायर होता है 225, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 0.60 × 0.60,
क्योंकि साइन 37 की वैल्यू 0.60 है, नीचे 2 है और 9.8 है। मल्टीप्लाई करो, सॉल्व वगैरह देख लो, एच की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 4.16 मीटर। बस ख़त्म, इतना सा था, इतना सिंपल सा इसका आंसर था। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा, अगर कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप कैलकुलेशन करें, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम दोगे, अभी तो फिलहाल आपका 11th है, जब 12th में जाओगे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो भी कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा मैं आपके हवाले कर देता हूँ कभी कभी, ठीक है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में किया, अब पार्ट इसका थर्ड देखते हैं। हमसे कह रहे हैं द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, आपको आर बताना है, आर बताना है। सिंस आर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, ठीक है। यू की वैल्यू रखोगे कितना, 15 इसका स्क्वायर, साइन 2, थीटा की वैल्यू कितनी 37, और नीचे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.8। आर इज इक्वल टू हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, ये हो जाएगा साइन 74 और नीचे हो जाएगा 9.8। यहाँ पर साइन 74 की वैल्यू भी आपको टेबल से निकाल करके रखनी है, 225 को 9.8 से डिवाइड करो, जो निकल कर आएगा उसकी साइन 74 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेंज निकल कर आएगी वो आएगी 21.2 मीटर। बस ख़त्म। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना, एक्चुअल में चैप्टर की बात तो मत करो लेकिन इस टॉपिक की बात कर लो, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको पता है ना फॉर्मूले तो आप हर एक न्यूमेरिकल लगा दोगे, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअली होते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है, वो भी हम कराएंगे, आप चलते रहिएगा। इसमें कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, बस और कुछ नहीं है। फोर्थ पार्ट को देखो इसका जल्दी से। हमसे कह रहा था टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर, कितनी देर तक बॉल हवा में रही है, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, कैपिटल टी होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2u sin θ अपॉन जी। देखो आपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम निकाला था उसका डबल कर दो तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल कर आ जाएगा, तो वो आपने निकाला था 0.92, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 से। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लेती है ना बॉल, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लेगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1.84 सेकेंड। बस ख़त्म, ये था इसके अंदर, कुछ था कुछ नहीं था, बस आपको आपको इसके अंदर दो चीज़ें करनी है, एक तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू निकाल कर रखनी है और साइन 74 की, दो काम तो ये करने है। तीसरा काम ये है कि छोटी मोटी जो कैलकुलेशन है तो इसको सॉल्व करना, वो आप माहिर है करने में, बस आपको ये पता होना चाहिए। देखो डर लगता है इस चीज़ से कि होगा किस तरीके से, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा का पूरा न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता तो आप इसको कर दोगे, अदरवाइज फंस जाओगे। तो थैंक यू सो मच। अगर इसके अंदर कहीं भी डाउट है, किसी बच्चों को लग रहा है कि कैलकुलेशन में दिक्कत पड़ रही है, तो टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भाई, वहाँ जाकर का आप अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको पेज पर लिख करके दिखा दूंगा किस तरह से कैलकुलेशन इसकी होगी। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे मुलाकात करते हैं, लेंथी हो जाएगा ना कैलकुलेशन करके दिखाएंगे तो।